रवि मधु कुकिंग में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य सबको घर पर स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए प्रेरित करना है। आगे बढ़ने से पहले कृपया वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बराबर में दिख रही घंटी को भी टच करें, जिससे हमारे हर नए वीडियो का समाचार आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी अवश्य टच करें। सामग्री की सूची और डिटेल रेसिपी टेक्स्ट के लिए इस बटन को टच करें, या अगर आप लैपटॉप पर इसे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन को टच करें। आज हम बना रहे हैं सफेद मक्खन आसान विधि से। एक पतीले में 2 लीटर या जितना भी आप चाहें फुल क्रीम दूध मध्यम आंच पर उबलने को रखें। एक उबाल आने के बाद आंच बंद कर दें, अधिक ना उबालें। दूध को तार की जाली से ढक दें और कमरे के तापमान तक ठंडा होने दें। फिर इसे फ्रिज में 4 से 6 घंटे या पूरी रात के लिए रख दें। फ्रिज में ठंडा होने से दूध पर मलाई की मोटी परत आ जाएगी। दूध से मलाई उतारकर कटोरे में ढककर फ्रिज में रख दें। ऐसे ही 2-3 बार में मलाई उतारकर इकट्ठा कर लें। मलाई उतरा दूध आप अपने नियमित प्रयोग में ले लें। मलाई इकट्ठा होने के बाद उसे कमरे के तापमान पर लाकर मिक्सी के जार में डाल दें। इसे आधे से 1 मिनट तक मध्यम स्पीड पर ब्लेंड करें। जार में कमरे के तापमान पर थोड़ा पानी डाल दें। अगर मलाई बहुत ठंडी हो या मौसम सर्दियों का हो तो गुनगुना गर्म पानी डालें। धीरे से मिलाकर फिर से आधा मिनट चला लें। ढक्कन हटाकर धीरे से मिलाएं और फिर से आधा मिनट ब्लेंड करें। फिर से ढक्कन हटाकर थोड़ा और पानी डालें। इसे फिर से चलाएं। ऐसा 2 या 3 बार करें या जब तक मक्खन अलग ना हो जाए। मक्खन अलग होने के बाद जार को मिक्सी से हटा लें और अपनी उंगलियों से मक्खन का गोला बटाकर पानी में से निकाल लें। गोले को घुमाते हुए नर्म हाथ से थोड़ा दबाते हुए इसमें से पानी निकाल दें। पानी निकालने के बाद मक्खन को एक कटोरे में या बटर बॉक्स में रख लें। यह प्रयोग करने के लिए तैयार है। इसे ढककर फ्रिज में रखें जब तक आवश्यकता न हो। आनंद लें। ऐसे और रेसिपी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल मुफ्त है।